हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्माइल कुकिंग। आज हम बकरीद के लिए एक स्पेशल डिश बना रहे हैं जिसका नाम है टर्किश कबाब। इसके लिए हमें स्पॉन्सर किया है ग्लोबल हीमा सॉल्ट ने, जिसका मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बेहतरीन सॉल्ट है और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है मशीन का, आधा शिमला मिर्च चाहिए, थोड़े से हरे धनिया की पत्तियाँ हैं, एक मीडियम साइज़ प्याज, 5 क्लोव्स हमारे पास लहसुन के हैं, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच हमारे पास पेपरिका पाउडर है और 1 ही चाय का चम्मच हमारे पास काली मिर्च है और ग्लोबल हीमा सॉल्ट डालेंगे 1 चाय का चम्मच। ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे। अब चॉपर में मैं आधा किलो कीमा ले रही हूँ। कीमा मैंने मशीन से थोड़ा निकाला है, जिसमें 2 से 3 खाने के चम्मच चर्बी मैंने शामिल करके निकाल ली थी। अब हमने चॉपर में इसको मज़ीद पीसना है ताकि बिल्कुल तमाम चीज़ों के साथ बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जाए। इसके लिए अब हमने आधा किलो कीमा ले लिया है, थोड़े से हमारे पास 1/4 कप के करीब हरा धनिया है ये शामिल करना है, आधी शिमला मिर्च है इसको मैंने सीड अलग कर लिए हैं और वाइट पार्ट इसका बिल्कुल साफ कर लिया है वो इसमें शामिल करना है, 1 दरमियानी प्याज है इसके 4 पीस कर दिए थे वो डाल दिए हैं, 5 लहसुन के जवे वो डाल दिए हैं इसमें। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच हमारे पास ज़ीरा पाउडर है ये रोस्टेड है ये शामिल कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच ये हमारे पास धनिया पाउडर है ये रोस्टेड नहीं है ये सादा ही है रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये काली मिर्च है ये इस्तेमाल करनी है, ये भी 1 चाय का चम्मच है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं शामिल करनी है, नॉर्मल लेवल रखना है। सिर्फ हमारे पास लाल मिर्च है ये मैंने भर के 1 चाय का चम्मच लिया है क्योंकि इसमें मज़ीद और कोई मिर्च शामिल नहीं हो रही है जिससे इसमें स्पाइसेस ज़्यादा हो, और 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर है ये मैं डाल रही हूँ इसमें, ये हमने डाल दिया है। इसके बाद हमने इसमें मज़ीद और चीज़ें जो शामिल करनी है वो हम इसको ब्लेंड करने के बाद डालेंगे। 1 चाय का चम्मच ग्लोबल हीमा सॉल्ट डाल दिया है मैंने ये शामिल करके, इसको हमने ब्लेंड करना है। इसमें आधा लीमू जाएगा, अगर आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून। मैं इसमें अनारदाना नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें लीमू का रस डाल रही हूँ, ये देखें ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं देसी घी 1 चाय का चम्मच ये शामिल कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को डाल के मज़ीद दोबारा से हम ब्लेंड करेंगे ताकि बहुत अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाए। अच्छे तरीके से इसको हमने चॉपर में पीस लेना है और ये हमारी तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से यकजान हो जाएंगी। इसके लिए सैलेड बनेगा, 1 दरमियाने साइज़ की प्याज ले लिए, चॉप कर लिए मोटा मोटा, ये ज़रूर इसके साथ बनाइएगा, बहुत मज़े की लगती है सैलेड ये इसके साथ। 1 टमाटर है इसके मैंने सीड अलग कर लिए हैं और नॉर्मल साइज़ के इनको चॉप कर लिए, बहुत ज़्यादा ना बारीक करना है ना ज़्यादा मोटा। 1 खीरा ले लिया दरमियाने साइज़ का और थोड़ा सा हमारे पास हरा धनिया है इसको मैंने काट लिया है ये भी इसमें डालना है। बहुत सिंपल सैलेड है मगर बहुत टेस्टी लगेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को भी पसंद आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, दावत पर भी बना सकते हैं आप इसको, आपके गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगी ये डिश। इसके बाद इसमें हमने नमक डालना है, ग्लोबल हीमा सॉल्ट नमक जाएगा इसमें और 1/2 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च जाएगी कुटी हुई वो मैंने इसमें शामिल कर दी है, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च डाल दिया है और 1/2 चाय का चम्मच ग्लोबल हीमा सॉल्ट जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ ये इसमें शामिल करना है। और इसमें थोड़ा सा हमने 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालना है, फ्रेश डालना है हमने लेमन जूस। आप लेमन का जब भी इस्तेमाल कीजिए कोशिश कीजिए कि फ्रेश ही इस्तेमाल करें, फ्रेश इस्तेमाल करने में एक तो ग़िज़ाई ज़्यादा है, दूसरा इसका टेस्ट और जो फ्लेवर है वो फ्रेश लेमन से ही आता है। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, ये इसका सैलेड रेडी है, देखें कितना आसान है जो फौरन तैयार हो जाता है। अब हमने चॉपर में जो पीसा था कीमा ये मैंने इसमें निकाल लिया है 1 बाउल में, और अब इसमें हमने कोयले का धुआं देना है ताकि इसमें एक बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। वैसे तो ये आउटडोर बारबेक्यू और इस तरह के इसमें बनाए जाते हैं, हम चूँकि हम घर में बना रहे हैं इसलिए मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी, घी में बनाई जाती है ये इजीली, इसका फ्लेवर और अच्छा होता है।
कोयले का धुआं हमने दे दिया है, इसको निकाल के अब हमने कबाब बनाने हैं। इसकी स्टिक जो है थोड़ी चौड़ी होती है सीख कबाब की, तो इसके लिए मैंने एक नाइफ़ ले ली थी और उसके ऊपर मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल चढ़ा के इसको चौड़ा इसी तरीके से कर लिया है। और इस तरीके से मैं इस पर तमाम कबाब बना लूँगी। ये काफ़ी बड़े साइज़ के बनते हैं, अगर आप इतने बड़े नहीं बना सकते, देखें इसको इस तरीके से हमने बीच में डेप दे के बनाना है ताकि इसमें एक टेक्स्चर आ जाए। थोड़े सा ऑयल डाल के एक पैन में इनको हमने फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप इनको बड़े बनाएं छोटे बनाएं। देखें ये तैयार हो गए, मैंने इनको डिश आउट कर दिया है। कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। हमारे चैनल हैप्पी स्माइल कुकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे रेसिपीज़ को आगे ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियोज़ को